आजकल तो देश के अंदर शार्क टैंक इंडिया बहुत चल रहा है, उसके अंदर आपने सुना होगा भैया R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रेडमार्क पेटेंट। हाँ जी, आप इस इंडस्ट्री में कैसे गुज सकते हो। आप वैसे तो आजकल हमारे देश का यूथ बहुत ज्यादा काफी ज्यादा सीखने लग गया है। आज से 3 साल पहले जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था, 4 साल पहले, अब बच्चों को नहीं पता होता था भैया ये ऐसा होता है, ये R&D होता है, ये आईसर होता है, नाइसर होता है। नो, उनको बस ये पता होता था भैया इतने नंबर लिया हो और IIT के अंदर चले जाएंगे, NIT के अंदर चले जाएंगे, भैया लल्लू लाल कॉलेज के अंदर पढ़ लेंगे। लेकिन आज जो है, आज का जो बच्चा, उसको सब पता चल गया भैया, अच्छा ऐसे स्टार्टअप करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, ऐसे फंडिंग लूंगा, अच्छा इससे मिलियनेयर बन जाऊंगा। अब वैसे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत सारे बच्चों के ये सवाल आते हैं हमारे पास, अब आई वॉन्ट टू बिकम ए साइंटिस्ट, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड अब केमिस्ट्री और एरोस्पेस और एरोनॉटिकल, इसके लिए मैं क्या करूं भैया। अब मेरा जो इंटरेस्ट है वो है मिसाइल इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम ए मिसाइल मैन टाइप, मेरे को सेटेलाइट बनाना है उनको, हाँ जी मेरे को कुछ अलग प्रकार का डिवाइस बनाना है, टाइम मशीन बनाना है। इन सब के लिए कैसे स्टडी होता है, या फिर मैं लल्लू लाल कॉलेज में जाऊं, या फिर IIT के अंदर 4 साल गुजारूं, हाँ जी अब क्या करूं, मेरे पास अदर ऑप्शंस क्या है। वैसे आपने देखा होगा, आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आफ्टर द कंप्लीट द JEE एडवांस एग्जामिनेशन, बहुत सारे तो ऐसे भी बच्चे हैं A1 लाकर भी IISc जैसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं। भैया ये IISc क्या है, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता हमें, आज बात करूंगा इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट IISc, ऐसा क्या करता है वो, ऐसा कौन सा रिसर्च है उसके पास, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी। अब वैसे आज हमारे देश की टॉप टेक्नोलॉजीज तो सिलिकॉन वैली के अंदर है भैया, इंडिया का सिलिकॉन वैली, हाँ जी इंडिया का सिलिकॉन वैली कैसा है ये, उसके अंदर क्या है इंफ्रा टेक्नोलॉजी, अब लैब, स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, इन्वेस्टर, हाँ जी फिर ये IISc क्यों जा रहे वैसे, हाँ जी थोड़ा IISc के बारे में बात करते हैं। अब वैसे जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसका क्या था, वो मैथमेटिक्स में पूरे नंबर लाता था 100/100, अब फिजिक्स के अंदर 60 नंबर और केमिस्ट्री के अंदर भी 60 नंबर, टीचर परेशान भैया, अब टीचर को प्रिंसिपल डांट रहा भाई इसके मैथमेटिक्स में पूरे 100 आ रहे हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्यों नहीं आ रहे, और वो भी ऐसा लड़का, उसको मैथ एकदम अच्छा लगता, बिल्कुल मैथ में तो वो एकदम बहुत अच्छा लग रहा है उसको भैया, मैथ में पूरे 100 में से 16 आ रहा है वो बोर्ड में भी 16 आया, मैथ में JEE के अंदर भी 16 आया, लेकिन वो मैथमेटिक्स में नहीं आ रहे उसका नंबर, केमिस्ट्री में भी नहीं आ रहे, हिंदी भी नहीं आ रहा उसको, इंग्लिश भी नहीं आ रहा, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा आ रहा। जैसे आपने रामान जून की कहानी सुनी होगी, भैया मैथ के अंदर तो एकदम गजब, एकदम पूरे 100 में से 100 आ रहे हैं और सब्जेक्ट्स में नहीं आ रहे। अब वैसे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट खुले हैं, अब क्या आप जानते हैं हमारे देश के जन्नत इंस्टीट्यूट IISc, IIST, IIPT, हाँ जी आईसर, नाइसर, ISI, CMI, हाँ जी अब क्या है ये, इनके बारे में तो स्पेशल आपको केस स्टडी हमारे बनाए हुए मिल जाएंगे। आज बात करेंगे IISc की, हाँ जी भैया IISc बेंगलोर, एक दफा मैं जब IISc बेंगलोर गया अपने दोस्त से मिलने के लिए, वहां पे क्या हुआ बेसिकली, अब केमिस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट था वहाँ पे, अब तो मैंने जाके पूछा भैया यहाँ पे जो स्टैटिकल का कौन सा डिपार्टमेंट है, वो बोलता है भैया मेरा तो ये डिपार्टमेंट है और तो मैंने कभी देखा ही नहीं यहाँ पे, हाँ जी मैं तो इसी के अंदर रहता हूँ। IISc जाने वाला बच्चा इतना ज्यादा हो जाता है पढ़ाई के प्रति, उसको पता ही नहीं भैया अब कहाँ से सुंदर लड़की जा रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है। अब वैसे ये IISc वाले कैसे इंस्टीट्यूट है ये, अब कौन से कोर्सेस करा रहे हैं, इनका क्या स्कोप है, आईसर वाले जो इंस्टीट्यूट है ये जो कुछ करा रहे भैया R&D करा रहे हैं, ये डॉक्टर बना रहे हैं, ये साइंटिस्ट बना रहे हैं, ये PDoc BSMS क्या होते हैं ये कोर्सेज। वैसे आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का नाम सुना होगा, इसमें क्या होता है भैया, इसमें आपको कोड डेवलप करना होता है भैया, आपको फ्रंट एंड डेवलप करना है, आपको बैक एंड डेवलप करना है, आपको आपको नई प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, हाँ जी आपको फंक्शन डालना है, आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। अब लेकिन देश ने क्या सोचा, हमारे देश के जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसको पता है, पिछले 3 साल के अंदर हमारा मोबाइल डेटा कंजम्पशन इतना ज़्यादा बढ़ा है, हमारा पहला डेटा कंजम्पशन हुआ करता था सिर्फ कितने घंटे हुआ करता था, हाँ जी अब 1 घंटा 60 मिनट,
30 मिनट आज से 3 साल पहले हमारा मोबाइल डेटा कंजम्पशन हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे वो बढ़कर हो चुका है पूरे 6 घंटे। एवरेज एक आदमी आज 6 घंटे दिन के अंदर मोबाइल पे स्पेंड कर रहा है। इसका क्या फर्क पड़ा? क्लाउड स्टोरेज। हाँ जी, हमारा जो डेटा होता है वो रिकॉर्डेड रहता है कहीं पे। उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, कैसे कैसे रिकॉर्ड होता है भैया, अब वो सब किसके अंदर आता है, वो उसके अंदर स्टैटिकल लगता है भैया, मैथमेटिक्स लगता है प्योर। अब तो हमारे देश के रिसर्च इंस्टीट्यूट ऐसा ही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अगर देश को आगे बढ़ाना है अब तो हमको टेक्नोलॉजी को, यूथ को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हमारा IIST स्टार्ट किया गया था। आप थोड़ा IIST के बारे में जरूर देखिएगा कि 2000 के अंदर IIST की कैसे एस्टेब्लिशमेंट किया गया, 2007 में IIST को स्टार्ट किया गया, ICER को क्यों स्टार्ट किया गया, ISCS, ISI, CMI, ISC, इन सब की क्यों एस्टेब्लिशमेंट की गई। हाँ जी, ये नए नए कोर्स, ये स्टैटिस्टिकल कोर्स, ये मैथमेटिकल कोर्स, ये BSc, अब 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स क्यों लॉन्च करी है गवर्नमेंट। हाँ जी, ये बीटेक से क्यों नहीं काम चला रहे है ये। हाँ जी, ये इतने महंगे महंगे कोर्स इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर। हाँ जी, ये अलग अलग प्रकार के बीटेक के कोर्सेज गवर्नमेंट लॉन्च करी है, क्या लॉजिक है इनके पीछे, क्या स्कोप है इसके अंदर। हाँ, आपके भी बहुत सारे सवाल होते होंगे ऐसे, हाँ जी भैया मेरे को जो है एरोस्पेस के अंदर जाना है भैया, मेरे को मिसाइल बनाना है, मेरे को साइंटिस्ट बनना है, मेरे को सैटेलाइट बनाना है, तो वो कैसे कर पाऊंगा मैं। हाँ जी, अलग अलग प्रकार के अलग अलग इंस्टीट्यूट है। वैसे IIT के अंदर फंडिंग का बहुत सारा प्रोसेस रहता है। हमारा IIT मद्रास तो कुछ अलग ही कर रहा है। IIT मद्रास क्या करता है, IIT मद्रास की केस स्टडी आप देखोगे आप एकदम चौंक जाओगे। खैर, हमारा सवाल ये है, और ये जे एडवांस वाले बच्चे IISc में रिसर्च की तरफ कैसे जा रहे हैं, और इसका क्या स्कोप है, हमको IIT को क्या, अगर IISc मिल रहा है तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप रिसर्च में जाओ, हाँ जी आप कुछ नया डेवलप करो। वैसे जो रिसर्च में जाते हैं इनका नौकरी का क्या प्रोसेस रहता है, हम जो IIT में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, हमको नौकरी मिलती है, हमने कोई इंटर्नशिप किया, हमने प्रोग्राम लिखा, हमने कोडिंग लिखी, हमने हैकेथॉन जीता, हमने सॉफ्टवेयर सीखे, इसलिए हमको नौकरी मिल जाती है भैया बीटेक के अंदर। लेकिन जो ICER में पढ़ाई कर रहा है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है, उनको नौकरी किस बेसिस पे मिलती है। वैसे आपको बता दें, जब अंबानी ग्रुप ने, जब भी मोटा भाई ने जब भी 4G उसको लॉन्च करना था, तो उसको 4G टेक्नोलॉजी मिला था IIT बॉम्बे से। IIT बॉम्बे के साइंटिस्टों ने, ग्रेजुएट्स ने 4G टेक्नोलॉजी डेवलप किया। मोटा भाई को पता चला भाई ऐसा ऐसा कुछ बनाया है, मोटा भाई ने उसको एक्वायर कर लिया, उनको नौकरी दे दी, उनको जॉब दे दी, क्योंकि उनके पास पेटेंट था, उनके पास प्रोग्राम थे, उनके पास ट्रेडमार्क था, मोटा भाई ने वो खरीद लिया। वैसे ही बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं कि यार ICER में नौकरी कैसे मिलती है, NICER में कैसे मिलती है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट से कौन उठाता है बच्चों को, नौकरी किस प्रकार की नौकरी होती है। अब तो ये ICER और NICER और IISc क्या करता है, ये पहले आपको एक साल नॉर्मली पढ़ाएगा, अच्छा ठीक है तू पढ़ ले, फिर आपको वो 6 महीने पढ़ाता है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट देता है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर, फिर 6 महीने पढ़ाता है, फिर 6 महीने और प्रोजेक्ट देता है, भैया ये तू कंप्लीट कर, अच्छा तूने ये किया, कोई बात नहीं, 1 महीने तुम्हारी इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर साइंटिस्ट के अंदर। हाँ जी, ये साइंटिस्ट है, इसके अंदर तू काम कर, लैब के अंदर तू कुछ ना कुछ सीखेगा भैया, अच्छा तूने ये काम किया, कोई बात नहीं, अब तेरे को इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मिलेगा, अच्छा तू इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कंप्लीट कर, तू ये रिसर्च पेपर लिख, तू ये थीसिस कर। हाँ जी, ये ऐसे ऐसे करवाता है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोई बात नहीं, 3 साल गुजर गए, 1 साल तेरे को और पढ़ाता हूं मैं, और अच्छे से पढ़ाता हूं, तेरा 5 साल का कोर्स है, तू जो है एक साल तू बड़े किसी रिसर्च सेंटर में जाके काम करेगा। हाँ जी, IIT क्या करती है, वो बोलती है तुमको 1 सेमेस्टर किसी कंपनी में ट्रेनिंग लगाना पड़ेगा। अब लेकिन ये रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं, तू 1 साल किसी ना किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएगा, वहाँ पे तू रिसर्च करेगा, केमिकल बनाएगा, ट्रेडमार्क बनाएगा, तू पेटेंट लाएगा, अगर तूने ये किया तभी तेरे को मैं डिग्री दूंगा, वरना मैं तेरे को डिग्री नहीं दूंगा। अब बच्चे करे ना
क्या करें, उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं भैया, वो देखने लग जाते हैं नया बनाता हूँ कुछ मैं नया बनाता हूँ। वैसे इंक्यूबेशन सेंटर बहुत सारे होते हैं, आपने सुना होगा रिसर्च सेंटर, इनोवेशन सेंटर, नया इनोवेशन करते हैं भैया। ये स्कूटर आगे ही चलता है, पीछे क्यों नहीं चलता, इसको पीछे भी चला देते हैं। IIT के बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर, इनोवेशन सेंटर में ऐसा इनोवेशन किया गया, ये बाइक चलते चलते गिर जाती है, कोई बात नहीं, ऐसा सेंटर बनाते हैं, ऐसा सेंसर बनाते हैं, बाइक गिरे ही ना, सीधी सीधी चलती रहे भैया। अब गिरने का जुगाड़ ही बिल्कुल ही खत्म। हाँ जी, ये क्या, कौन करता है वैसे, ये डेवलपमेंट सेंटर्स के अंदर, इनोवेशन सेंटर्स के अंदर, इनक्यूबेशन सेंटर्स के अंदर, ये वैसे ऐसे साइंटिस्टों की जरूरत है आज हमारे देश को। हाँ जी, वैसे IIT बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है, लेकिन आपके लिए IISc IIST, हाँ जी, ये IISc बेंगलोर, उसके बाद में आपके ISETS, ये जन्नत इंस्टीट्यूट है। आप लोग जो है इसके अंदर भी आपका अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि यार मेरे को एरोस्पेस इंजीनियर बनना, हाँ एरोप्लेन बनाना है, मेरे को मिसाइल बनाना है, मेरे को इसरो के रॉकेट्स के साथ काम करना है भैया, नासा जाना है, इसके लिए आप हमारा IIST वाला वीडियो जाके देखो। हाँ, आपको अगर ऐसा लगता है भैया मेरे को पेट्रोलियम पर रिसर्च करनी है, उसके लिए हमारे देश में अलग इंस्टीट्यूट है। आपको अगर मेरे दोस्त की तरह बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है भैया, मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ना है, मेरे को स्टैटिक्स पढ़ना है भैया, मैथमेटिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, आप कोई बात नहीं, इसके लिए आपका ISI बना है। हाँ जी भैया, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी नहीं है ये, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, अब वो आप ही के लिए बना है। अब कोई बात नहीं, आप रामानुजन के इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हो, जहां से डिग्री लिया था रामानुजन ने, अब कोई बात नहीं, आपके लिए IACS बना है। हाँ जी, कोलकाता वाला IACS, आपने सुना नहीं इसके बारे में, कोई बात नहीं, हमने इसके बारे में कंप्लीट केस स्टडी बनाया है, IACS कैसे काम करता है, उसके बारे में किस क्या क्या सीन है, वहां से कौन पढ़ा है, उसने क्या क्या किया देश के लिए। अब कोई बात नहीं, उससे भी अच्छा आपको रिसर्च करना है भैया, मेरा फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, केमिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट है भैया, कुछ मेरे को अलग ही प्रकार का बनाना है, मेरे को तो वो साइंटिस्ट बनना है, चश्मा लगाऊंगा और डोरा बांध के पीछे एकदम चलूंगा भैया, साइंटिस्ट सफेद बाल हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाऊंगा और अलग प्रकार का बनाऊंगा कुछ नया एकदम। कोई बात नहीं, आपके लिए ISETS बनाए गोरबिट ने, टोटली 7 ISETS आज देश के अंदर बन चुके भैया। आईसर क्या होता है ये, हाँ जी, ये भी आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस है। अगर आप और भी ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहते हो, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए नए नए इंस्टीट्यूट ढूंढ करके लाता हूँ भैया। हाँ जी, इसरो के भी काफी सारे इंक्यूबेशन सेंटर, इनोवेशन सेंटर, रिसर्च सेंटर, आजकल तो देश के अंदर बिना एग्जाम वाले भी स्कूल खुल रहे हैं भैया। आपको एग्जाम तो बिल्कुल देना ही नहीं है, हाँ आपको सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना है, आपको सिर्फ रियल लाइफ प्रॉब्लम सोल्व करनी है, आप डायरेक्टली अपना स्टार्टअप भी कर सकते हो, आप कैसे, हाँ जी कैसे कर सकते हो। अगर आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही भैया, मैं IIT में जाऊँ, NIT में जाऊँ, मेरे को अपना स्टार्टअप करना है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है भैया, अब मेरे को किसी अलग फील्ड में जाना है, मेरे को विचुअल में तो एक्टर बनना है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे को BTech भी करना है भैया, तो मैं क्या करूँ भैया, मैं मुंबई जाता हूँ, मैं मुंबई के कॉलेज में कैसे एडमिशन लूँ, अब मैं 2 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक तो पढ़ाई करूंगा, उसके बाद ऑडिशन दे के आऊंगा भैया मुंबई के अंदर, और हीरो बन जाऊंगा एकदम कार्तिक आर्यन की तरह। क्या आपके भी ऐसे सवाल है, अब मैं कोई बात नहीं, मैं BTech तो पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास नए नए आइडियाज है, मैं एक अच्छी टीम बिल्डिंग करके एंजल इन्वेस्टर से पैसा लूं और एक नया स्टार्टअप बनाता हूं, मैं एकदम नया प्रकार का स्टार्टअप और बन जाता हूं एकदम मिलियनेयर। हाँ जी, क्या आपके भी ऐसे बहुत सारे सवाल है, या फिर मैं कौन सी जगह जाऊं भैया, ये इंडिया के सिलिकॉन वैली के कॉलेज कैसे हैं, या फिर मैं राजस्थान में हूं, मैं लालपुर, नागपुर, गगनपुर, रामपुर, पुर जगह पर हूं, वहां पे जाऊंगा, वहां पे कैसे स्टार्टअप, कैसे शार्क टैंक, कैसे हीरो, वहां पे क्या करें भैया, हम तो लोकल गांव के इलाके से हैं, तब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देता है कॉलेज जानकार, इसलिए आप जो कॉलेज जानकार पे जरूर से विजिट करें।